हेलो रिवान, स्वागत करदा थोड़े सारयां दा एक बार फिर तो थोड़े इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। हाँ जी, अज दी आपां इस वीडियो विच पंजाब दे संगीत साज कला दस्तकारी अते रवायती गाने नाल अपने कोल जिन्ने भी एमसीक्यू बंदे हन सारे आपां इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। सो अज दी ए वीडियो थोड़े लिए काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो नूं तुसी एंड तक जरूर देखना है। एंड जेकर तुसी इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ यार चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लवो ता जो जदों भी कोई नैक्सट वीडियो अपलोड होंदी है तो उसका नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। इस तो अलावा जेकर तुसी इन्हां एमसीक्यूज की PDF लेना चाहते हो तो तुसी साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करवा दी गई है। सो ज़्यादा समा वेस्ट ना करते हुए अज की इस वीडियो शुरू करते हाँ। हाँ जी, फर्स्ट अपने को क्वेश्चन है हेठ लिखा विचों केड़ा एक संगीत साज है। हाँ जी, रे क्वेश्चन का आंसर पहला तुसी अपने माइंड में सोचना होगा। हाँ जी, इस दा अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, इन्हां विचों केड़ा एक संगीत साज है तो इसका अपने को आंसर रहेगा उपरोक्त सारे, यानी कि ढोल, टड अते डफली, ये सारे अपने कोल संगीत साज हन। इस तो अलावा होर किहड़े संगीत साज हन जिन्हां नूं तुसीं अलग तो नोट करना होगा, जिमें कि चिमटा, कड़ा, सारंगी, बुगचू अते अलगोजा। एक बार मैं फिर रिपीट करदा हाँ, तुसीं जरूर नोट कर लेना है किहड़े किहड़े हन अपने कोल होर संगीत साज, चिमटा, कड़ा, सारंगी, बुगचू अते अलगोजा। हाँ जी, इन्हां नूं भी तुसीं अलग तो जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट आपां सैकेंड नंबर क्वेश्चन वाल मूव करते हाँ। हाँ जी, केड़ा साज ताड़ी की तरह बजाया जाता है, सप, चिमटा, तूंबी जां अलगोजा। हाँ जी, इसका अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन होगा सप। हाँ जी, सप भी अपने को एक साज है, ये ताड़ी की तरह बजाया जाता है। नैक्सट थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, किहड़े साज की शुरुआत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की एग्जाम चाहन की, एंड सारे स्टूडेंट्स को इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा। हाँ जी, इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका राइट ऑप्शन होगा तौस। हाँ जी, किहड़े साज की शुरुआत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, तौस साज की शुरुआत की थी। इस तो अलावा बाद में इसका नाम की रखा गया, दिलरुबा। नैक्सट फोर नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, जेकर वीडियो हैल्पफुल लग रही तो वीडियो में वो तो शेयर एंड लाइक भी कर दो। श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित किहड़ा साज है। हाँ जी, इस अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका राइट ऑप्शन होगा रबाब। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित किहड़ा साज है, रबाब। भाई मरदाना जी इस नूं उस समय वजाउंदे सन जदों श्री गुरु नानक देव जी शब्द उच्चारण करते सन, तो यह किस नाल संबंधित हो गया, श्री गुरु नानक देव जी नाल। नैक्सट अपना फाइव नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किहड़े साज की शुरुआत की सी। हाँ जी, इस अपने को उत्तर की रहेगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा तबला। हाँ जी, अमीर खुसरो ने किहड़े साज की शुरुआत की सी, तबले की। इस तो अलावा जेकर थोड़े को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सितार साज है उसकी शुरुआत किसने की सी, उसका रचनहारा किस मनिया जाता है, तो थोड़ा सही आंसर की होगा, अमीर खुसरो, यानी कि अपने को सितार अते तबला जो हैं साज, इसकी शुरुआत किसने की सी, अमीर खुसरो ने। नैक्सट अपना सिक्स नंबर क्वेश्चन हैगा, किहड़े साज की रचना भगत, इत्थे अपने कोल परत आना सीगा, परत मुनी जी ने की सी। हाँ जी, इस अपने कोल उत्तर की रहेगा सी, इसका राइट ऑप्शन होगा सरौंद। हाँ जी, किहड़े साज की रचना भगत मुनी जी ने की सी, सरौंद साज की। नैक्सट आपां क्वेश्चन वाल मूव करते हाँ, सैवन नंबर। हाँ जी, पंजाब विच गुडियां बनाउण दा मुख केंद्र कित्थे स्थित है। हाँ जी, इस अपने को उत्तर की रहेगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा चंडीगढ़। हाँ जी, पंजाब विच गुडियां बनाउण दा मुख केंद्र कित्थे स्थित है, चंडीगढ़ दे विच। इस तो अलावा पंजाब विच होर कि दस्तकारी अते कला की जाती है, जिमें कि परांदा हो गया, पीढ़ियां हो गया, फुलकारी हो गया, टोकरियां बनानियां, ये सारिया ही अपने को कलावां जो हैं ये पंजाब विच हुंदियां हन। नैक्सट अपना एट नंबर क्वेश्चन हैगा, हेठ लिखा विचों पंजाब की कला की चोण करो।
हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे, यानी कि बोहिए, पीढ़ियाँ अते बुनाई, ये सारिया ही अपने को पंजाब दियाँ कलावां हैं। इस तो अलावा होर केड़ी केड़ियाँ पंजाब विच कलावां होंदियां हैं, जिवें कि फुलकारी, चमड़ा, दस्तकारी ते चौंकपुरना। हाँ जी, इन्हां नूं वी तुसीं अलग तो जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट अपना 9 नंबर क्वेश्चन हैगा, पंजाबी मुटियार दे दहेज का गहना किहड़ा मन्निया जांदा है। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा बुनाई। हाँ जी, पंजाबी मुटियार दे दहेज का गहना किहड़ा मन्निया जांदा है, बुनाई। इस तो अलावा जो छज है ये भी पंजाबी मुटियार दे दहेज की चीज़ मन्नी जाती है। हाँ जी, इस गल नूं भी तुसीं अलग तो जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट अपना 10 नंबर क्वेश्चन हैगा, हेठ लिखियां विचों किहड़ा गहना मर्दां दा है। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे, सरपेश, कुलगी अते कुतुबलीदर, ये सारे ही गहने मर्दां दे गहने हैं, एंड ये सारे ही गहने सिर नाल संबंधित हैं। हाँ जी, इस गल भी तुसी जरूर नोट कर लेना है। इस तो अलावा एक होर गहना जिसका नाम है मुकट, मुकट, सरपेश, कुलगी ते कुतुबलीदर, ये सारे ही गहने सिर नाल संबंधित हैं एंड मर्दां दे गहने हैं। नैक्सट अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, तख्ती नाम का गहना कित्थे पाया जाता है, कन, बीनी, गला जा सिर दे विच। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका राइट ऑप्शन होगा गले विच। हाँ जी, तख्ती नाम का गहना कित्थे पाया जाता है, गले विच पाया जाता है। इस तो अलावा गले विच होर केड़े केड़े गहने पाए जाते हैं, जिवें कि नाम हो गया अते कंथ, ये दोनों गहने भी गले विच पाए जाते हैं। नैक्सट अपना 12 नंबर क्वेश्चन हैगा, मुर्गी नाम का गहना कित्थे पाया जाता है, सिर, कन, बीनी जा हाथ। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा कन दे विच। हाँ जी, मुर्गी नाम का गहना कित्थे पाया जाता है, कन विच पाया जाता है। इस तो अलावा कन नाल संबंधित होर किहड़े किहड़े गहने हैं, जिवें कि बाला हो गया, दुर अते बीरबली, ये भी अपने को गहने कन नाल संबंधित हैं जां कन विच पाए जाते हैं। नैक्सट अपना 13 नंबर क्वेश्चन हैगा, इन्हां विचों किहड़ा गहना किहड़ा औरतों का गहना है, चौंक, मौली, दामनी जां उपरोक्त सारे। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे, यानी कि चौंक, मौली अते दामनी, ये सारे ही गहने औरतों के गहने हैं। इस तो अलावा जिहड़ा चौंक अते मौली गहना है ये सिर के गहने हैं, एंड जो दामनी गहना है ये मत्थे का गहना है। हाँ जी, इस गल भी तुसी अलग तो जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट अपना 14 नंबर क्वेश्चन है, सग्गी फुल की है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार ये क्वेश्चन अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट हो चुका है एंड सारे स्टूडेंट्स नूं इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन होगा गहना है। हाँ जी, सग्गी फुल की है, ये एक गहने का नाम है। नैक्सट अपना 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलबंद नाम का गहना औरतां कित्थे पाउंदियां हन। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन होगा गले विच। हाँ जी, गुलबंद नाम का जो गहना है औरतां कित्थे पाउंदियां हन, गले विच पाउंदियां हन। इस तो अलावा होर किहड़े किहड़े गहने हन औरतां दे जो गले नाल संबंधित हन, जिवें कि कंडी हो गया, हस, मोहरां अते हौल दिल, ये भी गहने अपने को औरतां नाल संबंधित हन एंड गले विच पाए जाते हैं। नैक्सट अपना 16 नंबर क्वेश्चन हैगा, हेठ दित्तियां विचों किहड़ा गहना औरतां पाउंदियां हन। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन होगा फुम्मी। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ा गहना औरतां पाउंदियां हन, फुम्मी नाम का गहना औरतां पाउंदियां हन। बाकी अपने को जिन्ने भी गहने हैं, कंथ, पौंची अते मुरकी, ये सारे गहने मर्दां दे गहने हन एंड जो फुम्मी गहना है ये किहड़े किस दा गहना है, कन्न विच पाउण वाला गहना है एंड औरतां दा गहना है। नैक्सट अपना 17 नंबर क्वेश्चन है, लौंग नाम का गहना कित्थे पाया जाता है। हाँ जी, इस तो अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन होगा नक विच। हाँ जी, लौंग नाम का गहना कित्थे पाया जाता है, नक विच पाया जाता है। इस तो अलावा होर किहड़े किहड़े गहने हैं जो नक विच पाए जाते हैं, जिवें कि बुलक हो गया, फुल्ली हो गया अते बोर हो गया,
ये भी सारे गाने नक विच पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हाँ किहड़े किहड़े हन, बुल्लक फुल्ली अते बोहर, ये सारे ही गाने नक विच पाए जाते हैं। इस वीडियो का आप लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ जी, बणका नाम का गहना कित्थे पाया जाता है? हाँ जी, इस अपने को उत्तर की रहेगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा वीनी दे। हाँ जी, बणका नाम का गहना कित्थे पाया जाता है? वीनी पाया जाता है। इस तो अलावा होर कि गहने हैं जिहड़े वीनी विच पाए जाते हैं, जिमें कि पौंचियां, बेई अते शमकंगन। हाँ जी, ये भी गहने वीनी विच पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हाँ, पौंचियां, बेई अते शमकंगन। हाँ जी, ये भी गहने वीनी विच पाए जाते हैं। इस तरह अज की अपनी ये वीडियो इत्थी खत्म होंदी है। ये वीडियो थोनों किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है। एंड जेकर थोनों ये वीडियो हैल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो में वो तो शेयर एंड लाइक भी जरूर करके जाना है। एंड जेकर तुसी हजे भी इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लवो ता जो जो भी कोई नैक्सट वीडियो अपलोड होंगी है तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सब तो पहला मिल सके। इस तो अलावा NMCQ की जेकर तुम PDF लेना चाहते हो तो साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करवा दी गई है। इस तो अलावा साढ़े टैलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करवा दी गई है। इस तो अलावा मैं इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। इस तो अलावा पंजाब के लगभग सारे ही पेपर को टारगेट रखते हुए इस चैनल पर बहुत ही वधिया ढंग के नाल तैयारी करवाई जा रही है। एंड जिन्ना हो सके अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल में जरूर शेयर किया करो ता जो उन्हां दी भी हेल्प हो सके। तो हुण आपां अज दी ये वीडियो इत्थे खत्म करते हैं, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। थैंक यू।